हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो ये मैरीगोल्ड दिखाए हैं, इनको मैं क्या करूँगी, देखिए ये बहुत मोटे मोटे फ्लावर्स हैं। इनको मैंने इसलिए तोड़ लिया क्योंकि वहाँ पर बंदर बहुत हैं, और फिर मैं इसके सीड्स कैसे सेव करती, अब मैं इनको तोड़ तोड़ करके इनके सीड सुखा लूँगी धूप में। और देखिए सीड इनके कहाँ होते हैं, जैसे जैसे ये है, ये देखिए, ये जो ब्लैक ब्लैक से होते हैं, ये सारे सीड्स हैं, ये सब। तो इनको मैं धूप में सुखाऊंगी तो ये हमारे सीड तैयार हो जाएंगे मैरीगोल्ड के। और अगर वहीं पर लगे रहते तो कुछ तो बच्चे तोड़ लेते और कुछ बंदर इनको तोड़ तोड़ के इनकी ये चीज़ जो होती है इनको तो फेंक देते हैं वो, और ये सब वो खा जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये चीज़, इसकी जो ये चीज़ होती है, इसको खाते हैं बंदर। तो सारा तोड़ कर वो ले जाते तब मुझे बहुत दुख होता, इसलिए मैं इनको पहले ही तोड़ के ले आई और मैं इनके सीड कलेक्ट कर लूँगी और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए इनको ग्रो करूँगी, तब मैं फिर आपको दिखाऊँगी। तो देखिए, ये जो मैं इस तरीके से मैं इनको इनको स्प्रिंकल कर दें और ये बहुत जल्दी से सीड हो जाते हैं। आजकल तो मौसम ठंडा हो रहा है तो जल्दी से सीडलिंग होती नहीं है, अब नवंबर चल रहा है तो इसलिए फिर कभी हम इनको उगाएंगे। अभी तो मैंने कटिंग से ही उगाए हैं, पर इनको सीड से भी हम ग्रो कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये पहले से ही तैयारी कर ली इसकी। तो ये तो रही बात इसकी, ये मैं सारे सुखा दूँगी। तो फ्रेंड्स, जब हम कुछ नए सोचेंगे, कुछ नया करेंगे, तभी आगे कुछ हमारा जीवन बहुत अच्छे से एक तरह से कुछ नयापन होगा। एक ही तरह के कहते हैं कि एक तरह के पानी एक जगह भरा हुआ भी गंद हो जाता है उसमें, और वो जो है गंदा पानी स्मेल युक्त हो जाता है। इसलिए जीवन को चलते रहने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। तो मेरा तो मानना यही है कि जब भी खाली समय मिले अपना कुछ ना कुछ हुनर का दिखाना चाहिए। और ये देखिए, जैसे ये आज मैं वैसे मेन आपको बताऊंगी कि मैं कटिंग कैसे इसको, ये तो मैंने बात बताई इसको ग्रो करने की, छोड़ो ये तो बाद की बात है, लेकिन आज मैंने मेन मकसद मेरा यह कटिंग उगाने का है। ये मेरी पर्पल कटिंग्स है, ये भी मेरा एक तरह से पिटूनिया जैसा ही है, जो ब्रिंजल कलर का होता है, उसकी वो कटिंग से हम ग्रो कर सकते हैं। कल भी मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया। और ये देखिए, ये तो सब मेरा किचन वेस्ट का कंपोस्ट बनाया हुआ होता है, उसमें मैं ग्रो कर रही हूँ। इसमें गार्डन सॉयल और सैंड, वो रिवर सैंड और कंपोस्ट है, काउडंग वाली, और मेरी लीव्स वाली कंपोस्ट है। तो गार्डन सॉयल सब मिक्स करके मैं अपना पोटिंग मिक्स बना के तैयार रखती हूँ। इसमें बहुत कटिंग अच्छे से ग्रो होती है। तो देखिए, इसको बस कुछ नहीं करना, ये मैंने सारी लीव्स इसकी हटा ली हैं और इसको बस ऐसे करके 1 इंच, ये पूरा जहाँ से नोड एरिया है इसको यहाँ से दबा देना है, और बस यहाँ से ये किसी छोटे पॉट में भी आप लगा सकते हो। मैंने ऐसे ही, मेरे पास ये था, मैंने इसमें ही लगा दिया, और इस तरीके से हम इनको ऐसे प्रेशर से इसको दबा देंगे। इस तरीके से हम कई कई वो लगा लेंगे और फिर इसको देखिए कब तक ये ग्रो होता है। और इस ये एक और बात बता दूं कि ये जो मैंने लिक्विड इसका तैयार कर रखा है, ये है एलोवेरा जेल। एलोवेरा एलोवेरा का वो निकाल करके इसका ये एक तरह से रेशा सा निकाल करके इसको पानी में 2 दिन डाल के रखा है, क्योंकि एलोवेरा जेल आपको मालूम ही होगा, ये रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है। इसमें रूट्स